हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीकू की पाठशाला। सावन का व्रत स्टार्ट हो चुका है, तो आज मैं लेके आई हूँ सावन व्रत के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जिसको कि आप एक बार बनाएंगे और महीनों तक स्टोर करके खाएंगे। तो वीडियो में आएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 2 पके हुए आम, और इन आम के छिलकों को हम निकाल लेंगे इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड, ये एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है जिसको आप बहुत ही कम समय में बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आम के छिलकों को इस तरीके से निकाल लेंगे। छिलकों को निकालने के बाद हम आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ आम के पीसेस को कट कर लिया है। अभी हम मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम आम के पीसेस को डाल देंगे। मिक्सर जार में डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप चीनी। तो यहाँ पे हम 1/2 कप चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमें इसका एकदम स्मूथ पेस्ट रेडी करना है। पेस्ट रेडी करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि इसमें आम के पीसेस ना हो, एकदम स्मूथ पेस्ट हमें तैयार करना है। तो अभी ये तैयार हो चुका है, तो अभी हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, और अभी मैं इसमें आम का पेस्ट डाल देती हूँ इस तरीके से। आम का पेस्ट डालने के बाद हम इसको लो फ्लेम पर अच्छे से कुक करेंगे, लगातार चलाते हुए। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसको पकने में लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है, और अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको लगातार इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे तब तक जब तक कि ये पूरी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आम की प्यूरी पूरी तरीके से गाढ़ी हो चुकी है, जैसा हमें चाहिए उस तरीके से हमें परफेक्ट मिक्सचर रेडी हो चुका है यहाँ पे। तो अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद हम लेंगे यहाँ पे थाली, और उसको हम ऑयल से इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। उसके बाद जो हमने आम का मिक्सचर रेडी किया था उसको हम इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे 1 बड़े चम्मच की सहायता से। हमको चारों तरफ इक्वली इसको स्प्रेड करना है, ना बहुत ही पतला ना ही मोटा, इक्वल जो है हम इसको चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने सभी आम की प्यूरी को इस तरीके से थाली में स्प्रेड कर लिया है, फैला लिया है हमने इसको इस तरीके से। अब हम इसको धूप में रख देंगे, 1 दिन हम इसको पूरा धूप लगने देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर धूप तेज होगी तो 1 दिन में ये ड्राई हो जाता है अच्छे से, अगर धूप कम है तो आप इसे 2 दिन तक अच्छे से सुखा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको धूप में रख दिया है, धूप बहुत तेज है तो 1 दिन में मेरे पापड़ जो है अच्छे से सूख जाएंगे। 1 दिन पूरा धूप में रखने के बाद आप देख सकते हैं कि पापड़ अच्छे से सूख चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे चाकू की सहायता से इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, और आप देख सकते हैं कि पापड़ कितनी आसानी से निकल गया। ऑयल से ग्रीस करने से पापड़ आसानी से निकल जाते हैं, तो इस तरीके से हम इसको रोल कर लेंगे। तो फ्रेंड, देखा ना आम के पापड़ बनाना कितना आसान है, आप इसे सावन के व्रत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सभी पापड़ को रोल कर लेंगे, ये देखिए। तो देखा ना कितनी आसानी से 2 आम और थोड़ी सी चीनी से ये आम के टेस्टी पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम दोनों थाली के पापड़ को कट करके उसको रोल करके हम स्टोर कर लेंगे, और महीनों तक इसको हम एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसे चाहे तो व्रत में खा सकते हैं या फिर ऐसे ही इसको एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कि आपको ये आम के पापड़ की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पीकू की पाठशाला। थैंक यू।